अब हर खबर पे होगी आपकी नजर। हमारे सभी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी अपडेट्स आप तक पहुंच पाए। नौजवानों को अपनी पार्टी की ओर से चिताना चाह रहा, उनको सजग करना चाह रहा कि यह वोट किसी छोटे मोटिवेशन के बदले दिए जाने वाला चीज नहीं है। इसी वोटिंग राइट के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों में सिविल वार तक हो। बीजेपी के नेता कैसे मानेंगे? अब जिनके नज़र में दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया यही बनना चाहते हैं। तू ही एक धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों के घुटने तोड़ कर इन लोगों ने रख दिए। शर्मा और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रधान महासचिव आलोक मेहता जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 23 फरवरी से जो शुरुआत करने की सोची है, बेरोजगारी हटाओ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, वो उसकी तैयारी पूरी हो गई क्या? देखिए, इसमें तैयारी तो जनता कर रही है, पार्टी और नेता अपने थॉट के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं और हमारी पार्टी गरीब और छूटे हुए लोगों की हिमायत करने वाली पार्टी रही है और हम समरसता में विश्वास रखते हैं। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो आगे बढ़े हुए लोग हैं उसके हम विरुद्ध हैं। हम बराबरी की बात करते हैं कि सब मेन स्ट्रीम में सारे लोगों को आना चाहिए और इसकी कमी कहीं ना कहीं रही है। वर्तमान शासन काल में 5 वर्षों में गरीब और गरीब हुए हैं, अमीर और ज़्यादा अमीर हुए हैं, चंद चुने हुए लोग ही अमीर होते गए। मैंने पूरी इकॉनमी ध्वस्त हो चुकी है और बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में किसी और बहलाने फुसलाने वाली बात, भावना भड़काने वाली बातों को जनता के बीच परोसकर और केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक यह सोच रही है कि इस बार फिर इसी तरह का धोखा दिया हुआ मैंडेट लेकर वो फिर से सरकार बना लेंगे। हम उनके इस कुपित प्रयास को विफल करने में की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता के रूप में, युवा के रूप में और एक चिंतनशील युवा के रूप में उन्होंने इसका विश्लेषण किया और हम उन मूल समस्याओं की तरफ जनता को फिर ले जाना चाह रहे हैं उनके माध्यम से, कि जो जिंदगी की हकीकत है, जो देश और दुनिया की हकीकत है वो यही है, रोजगार, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की इकोनमी, न कि कुछ और जो आजकल बहस छेड़ने की कोशिश हुई है। तो ये घूम फिर कर कोई भी प्रयास ऐसा किया जाता है ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए देश में, तो सामाजिक न्याय को जातिवाद का नाम दिया गया। ये जो धार्मिक विद्वेष फैला कर अलग किया था, इसको कौन सा नाम दिया जाना चाहिए? उसको वो राष्ट्रवाद का नाम, राष्ट्रवाद जैसे पवित्र शब्द को भी कलंकित करने की कोशिश हो रही है। यदि आप हमसे सहमत नहीं हैं तो आप देशद्रोही नहीं हो सकते, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है और यही तो ये संविधान बतलाता है। संविधान किसी गीता और कुरान से कम नहीं है, किसी बाइबल से कम नहीं है। संविधान में जितनी बहस आज उसको बदल कर, उसमें नए इंट्रोडक्शन करके, उसमें नए अमेंडमेंट करके लाने की कोशिश हो रही है, जिससे देश, उनकी सत्ता बची रहे देश भले ही टूट जाए, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे बहस उस समय भी हो चुके हैं जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाने की कोशिश की, संविधान बनाया था। उस समय भी ये सवाल उठा था कि क्यों नहीं पढ़े लिखे लोग ही वोटर हों, क्यों नहीं पढ़े लिखे लोग ही इलेक्शन लड़े। तो उसमें पढ़ते लिखते कौन थे भाई? तो जो लोग राजा ही रजवाड़े थे और जो अंग्रेजों से किसी न किसी तरह कंप्रोमाइज़ किया था, जिन लोगों, उन्हीं लोगों में ज़्यादा पढ़ाई थी। और तो मैं ऐसा नहीं था कि सब लोग वही लोग पढ़े, और लोग भी पढ़े, अम्बेडकर जैसे लोगों ने भी पढ़ाई की, लेकिन वैसी संख्या बहुत कम थी। लेकिन डेमोक्रेसी में हम क्वालिटेटिव नहीं, इंडियन डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव अप्रोच हम रखते हैं। जहाँ हमारी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर हमारा एलोकेशन ज़्यादा होता है, न कि जहाँ से टैक्स ज़्यादा आता है वहाँ पर हम एलोकेशन ज़्यादा करें। यही तो सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी है और यही, इसी का उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है कि इंडिया भी इज़
द बिगेस्ट डेमोक्रेसी एंड द बेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। बेरोजगारी अभी सबसे बड़ी समस्या है। ऑफ कोर्स बेरोजगारी नौजवानों को पिछले वर्षों में नए नए जुमले और नारों के माध्यम से लुभाने की कोशिश हुई थी और वादे भी कुछ ऐसे किए गए थे कि जैसे पिछले कार्यकाल में केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 10 करोड़ रोजगार लोगों को मुहैया कराया जाएगा, लेकिन लगभग 70,000 केंद्र सरकार की नौकरियों को नौकरी के पदों को समाप्त कर दिया गया और रोजगार के अवसर भी घटे। तो आज आर्थिक व्यवस्था देश की इतनी चरमरा गई नोटबंदी से लेकर GST तक की वजहों से कि आज हम बिल्कुल मतलब फौरी तौर पर कह सकते हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और लोगों की बेरोजगारी का गलत फायदा सरकार मीडिया के माध्यम से अलग अलग जुमलों के माध्यम से और उनको मिसमेराइज करने की कोशिश करती है और छोटे छोटे मोटिवेशंस मॉनेटरी बेनिफिट्स देकर वो समझती है कि हमने उनको अबलाइज कर दिया और वो उसके लिए वोट दे देंगे। लेकिन मैं देश के नौजवानों को अपनी पार्टी की ओर से चेताना चाह रहा हूँ, उनको सजग करना चाह रहा हूँ कि यह वोट किसी छोटे मोटिवेशन के बदले दिए जाने वाला चीज़ नहीं है। इसी वोटिंग राइट के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों में सिविल वार तक हो गया कि उनको डेमोक्रेसी उनके देश में नहीं थी उसको बहाल करने के लिए, उस तरह की इंडिया जैसी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। आज हमारे देश की इतनी सुंदर डेमोक्रेसी को किसी न किसी तरह तोड़कर मरोड़कर और उसे इस तरह किया जा रहा है जैसे देश में एनार्की आ जाए और जो हिटलर शाही जो तानाशाही का प्रवेश द्वार ही होता है। आज देश में प्रेसिडेंशियल काइंड ऑफ इलेक्शन लाने की कोशिश हो रही है, यानी कि एक पूरी देश की शक्ति एक जगह ऑफ कोर्स वैसी शक्ति जब एक जगह होती है तो फिर वो अमेरिका के राष्ट्रपति की उंगली पर पूरे देश की सारी शक्ति स्थापित रहती है। लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शक्ति का विकेंद्रीकरण है और यह डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए देश की जनता को सजग करना यह हमारी प्राथमिकता है। तेजस्वी प्रसाद यादव इन तमाम चीज़ों को लेकर जनता के बीच जाएंगे जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा आज के समय बेरोजगारी है। बड़ी संख्या में बेरोजगार सड़क पर हैं, उनके द्वारा किए गए सरकार के वादे पूरी तरह विफल हो चुके और अब जनता में नौजवानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो देश की और राज्य की 60% नौजवान जो हैं उसमें से बेरोजगारों की जो जमात है और जो रोजगार जिनको मिल भी गया वो उसमें हमको नहीं लगता कि उसमें कहीं मोदी जी का कोई प्रयास मतलब रहा होगा, क्योंकि नोटबंदी के बाद तो देश की आर्थिक स्थिति चरमरा सी गई है। तो ऐसे में मैं समझ सकता हूँ कि कुछ सेल्फ सस्टेनिंग लोग थे जिन लोगों ने बिजनेस बचाए रखने की हिम्मत रखी है, वरना देश के व्यवसाय ट्रेड बिजनेस कहें या प्रोडक्शन बिजनेस तो बहुत नीचे चला गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग की जिम्मेवारी बनती है कि हम आम आवाम को सजग करें, खास तौर से नौजवानों को कि उनके अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट करें और आने वाले दिनों की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चलें। बीजेपी के नेता बेरोजगारी को मुद्दा ही नहीं मान रहे। नहीं, बीजेपी के नेता कैसे मानेंगे बेरोजगारी? अब जिनके नज़र में दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया यही बनना चाहते हैं, तू ही एक धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल, पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों के घुटने तोड़ कर इन लोगों ने रख दिए। और काला धन, ऐसा लगता है कि काला धन सिर्फ एक ही पार्टी के पास चला गया जिसका दुरुपयोग पिछले चुनाव में किया गया। तो अब मुझे बताइए कि अब उनको बेरोजगारी नजर आएगी? अब तो कुछ दिनों में जनता जब तक सड़क पर नहीं आ जाए, उनको टॉपल नहीं कर दे, तब तक उनको बेरोजगारी नजर नहीं आएगी। सड़क पे तो आ चुकी है सर, दारोगा भर्ती को लेकर कितने दिनों से बच्चे सड़क पे आ रहे हैं और वो तेजस्वी यादव जी से भी गुहार लगा रहे हैं कि वो सदन में इस मुद्दे को उठाएं। तो क्या सदन में ये मुद्दा उठेगा इस बार? हम तो सड़क से सदन तक उन नौजवानों के साथ हैं जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और सरकार की नीतियों जो नीति बिल्कुल युवा परक नहीं है, जो देश जो रोजगार परक नहीं है, वैसी नीतियों का के खिलाफत करते हैं और करेंगे भी।
इसलिए राष्ट्रीय जनता दल कृतसंकल्पित है कि आवाम के बीच हम जाएंगे, पूरे एक महीना लगे, दो महीना लगे, राज्य के सभी जिलों में जाकर नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को खासतौर से हम जागृत करेंगे। लेकिन सर थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि दिसंबर से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते इनका फर्ज बनता था कि वहाँ जाएं, लोगों की आवाज़ बने, वो कहीं ना कहीं खटक रहा है बच्चों को। देखिए, इन तमाम प्रजातांत्रिक ढंग से किए जा रहे कार्यक्रमों में तेजस्वी प्रसाद जी भले ही ना हो, लेकिन हम लोग कोई ना कोई जाते हैं, कोई ना कोई पदाधिकारी जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। मतलब प्रोटेस्ट में आपके साथ हैं इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर समय हम आपके बीच ही प्रेजेंट रहें। आपकी बातें जिस फोरम पर भी उठाने की आवश्यकता होती है, पार्टी के सभी सजग नेता इन बातों को उठाते हैं और हम उनके साथ हैं, पहले भी थे, दिसंबर से ही नहीं, दिसंबर आप मैं जब से ये सरकार बनी है तब से मैं तो देख रहा हूँ कि कभी बेरोजगार नौजवानों को लाठी से पीटा जा रहा है, जो भी नौजवान शिक्षक हैं जो अपनी मांग को, जेन्युइन मांग को लेकर आते हैं, उनकी मांग को देखने तक की नौबत नहीं आती। क्वेश्चन पेपर लिखो जा, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये किसका फेल्योर है? ये सरकार का ही फेल्योर है ना। और ये जो धरना करने का जो स्थान बनाया गया है वो बिल्कुल सरे हुए नालों के बीच बनाया गया है कि उब कर लोग चले जाएं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ नौजवानों का, जो सैकड़ों की संख्या में महीनों तक उन लोगों ने धरना दिया। अब सरकार की पॉलिसी है कि उनको धरना करने के लिए छोड़ दिया जाए, खुद ही उब कर चले जाएंगे। अब तो सरकार आमरण अनशन करने वाले जो लोग हैं उन पर भी ध्यान देना बंद कर दी है। क्या यह डेमोक्रेसी है? कैसे आवाज़ उठाएंगे? डेमोक्रेसी में तो ये अधिकार है हमें, हमारे नौजवानों को, तो हम उसी डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाहते हैं जिसमें नौजवानों को रोजगार मिले। पकौड़ा तलने वाली बात भी कल होके बोलें कि ये जुमला था, ये तमाम बात और है भी, ये कोई समाधान है क्या? मोदी जी ने रिसर्च किया था कि नए चीज़ का कि पकौड़ा तलो बेरोजगारी समाप्त, ये तो पहले से लोग पकौड़ा तलने वाले बेचारे लोग तल रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि हम ऐसी डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाहते हैं जो जिसमें जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो वह पॉपुलेशन के आधार पर हो और वो नौजवानों को भी एड्रेस करे, वो समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को भी एड्रेस करे और ये सिर्फ कुछ चंद पूंजीपतियों के बकाए ऋण को सेटल करने और उनको गिफ्ट देने में देश की इकोनॉमी केंद्रित न रहे। हम वैसे डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाहते हैं। सर ये 15 साल बनाम 15 साल क्या है? जेडीयू कहती है कि आरजेडी के 15 साल जो काम किया उन्होंने वो जंगल राज था, तो आरजेडी कहती है आपने जो काम किया वो महाजंगल राज था। आप क्या कहते हैं? पूरी मीडिया को निष्पक्ष होकर इन चीज़ों का आकलन करना चाहिए, उस समय के सारे आंकड़े आप उपस्थापित करें और अभी जो पिछले 15 वर्षों में हुआ उसको उपस्थापित करें और दोनों की तुलना कर लें। दावा है कि जो नकारात्मक आंकड़े हैं ये इस 15 वर्षों में ज़्यादा होंगे। अब सवाल उठता है कि मैं क्या कहता हूँ, वो क्या कहते हैं? उनका तो विपक्ष में है तो हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे और वो सत्ता में है तो उसको नकारते रहेंगे, उनको अपने में कोई कमी नहीं महसूस होगी। लेकिन ये इवैल्यूएशन जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है वो भी कर रही है। मिशन 2020 में मुद्दा क्या होगा? हम संविधान बचाओ, डेमोक्रेसी को पुनर्स्थापित करो और जो नौजवान हैं, जो समाज के छूटे हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए था नहीं हो सके, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीज़ों के प्रति, कृषि के प्रति जो उदासीनता है सरकारों में, तो आम जनता जिस पर पूरी तरह देश की 80% जनता जिस प्रोफेशन पर आधारित है, मैंने डिपेंडेंट है, उस प्रोफेशन को नेगलेक्ट किया जा रहा है दोनों सरकारों द्वारा। इसलिए किसान, मजदूर, छात्र, युवा, महिला, आपने देखा कि विगत दिनों में क्या क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, और जंगल राज उस 15 वर्ष को बता रहे हैं, तो ये कंट्रास्ट है कि नहीं? तो फिर इन चीज़ों को निश्चित रूप से जनता विचार कर रही है
और जनता इस बार फैसला करेगी, इस बार भ्रम वाली वाला फैसला नहीं होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के प्रधान महासचिव आलोक मेहता जी, जिन्होंने दो टूक कहा है कि इस बार जो इलेक्शन होना है, इलेक्शन 2020, मिशन 2020, उस पर बेसिक मुद्दों पर काम करेगी आरजेडी। बाकी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए रेड नेटवर्क। नमस्कार। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं।